चलो भाई बेसमेंट चलते हैं। चलो आराम से। अरे डॉक्टर अपने इंजेक्शन दे रहा है। Mayank is my name, his name is Duck. लो भाई आपका नाश्ता। अच्छा ठंडा मत करना। और ये मिक्सर पराठे से मैंने आपको कोई सब्जी नहीं रखी, आप मना कर दो ना। अचार वगैरह? अचार नहीं नहीं बस नहीं चाहिए। अच्छा आज एक काम और करना, दक्ष मेरे को मॉर्निंग में बोला था स्कूल जाते टाइम मम्मा मेरे को हेयर कट कराना है, तो आज उसका हेयर कट कराया ना, काफी बड़े हो गए उसके बाद। तो फिर ठीक है छुट्टी के टाइम करा लेना। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप जहाँ भी होंगे काफी अच्छे से होंगे। तो मैं अभी सुबह नाश्ते में बना रही हूँ मिक्स वेज पराठे। इनको वैसे तो ब्लैक कॉफी पीने की आदत है, पर मिक्स वेज पराठे के साथ मेरे को बोल रहे थे चाय बना दियो, तो मैंने इनके लिए चाय बनाई है, मिक्स वेज पराठे और क्रीम चीज उसके साथ। इनको सब्जी वगैरह खाना कुछ पसंद नहीं है, तो मैं बस उसी की तैयारी कर रही थी। बाकी मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, अभी नाश्ते की तैयारी करती हूँ। A few hours later. दक्ष की बस आने वाली है, मैं निकल लिया हूँ दक्ष को लेने के लिए। तो आज सुबह से ही काफ़ी काम है, मेरी काफ़ी कॉल्स थी ऐसी, साक्षी के पास भी काफ़ी काम था आज, तो सुबह से व्लॉग शूट नहीं कर पाए। तो अभी दक्ष की बस आने वाली है, दक्ष को लेकर आते हैं। आज फिर बारिश शुरू हो गई यहाँ पे, दो दिन लगातार बारिश बता रहा है। दक्ष की बस आ गई है। कम दक्षी, क्या लेके आए आप? ओह नाइस, फ्लावर पॉट, दैट्स गुड। चलो किसने, टीचर ने दिया है? किसने दिया है? ग्रोन अप डे। ओह नाइस, तो इसको हम बैकयार्ड में लगा देंगे, ठीक है? ओके। इनका पेनिस कैन ग्रो। या इट कैन ग्रो, या एंड इट कैन बिकम अ ट्री, राइट? दक्ष आपको हेयर कट कराना है? यस। तो चलें फिर हेयर कट के लिए। यस। तो फिर आयरा उसके बाद लेंगे, ठीक है? यस। वो खांसी हो गई क्या? यस। ओह चलो, तबीयत खराब होगी। ओके आपको दवाई दे देंगे। हम लोग हेयर सलून पे आ गए हैं दक्ष की कटिंग के लिए। Let's go then. Come, Daksh. Get inside. Get inside. Hi. Yeah, that's me on number 3. So actually, it is his haircut. His name Mayank. Mayank is my name. His name is Daksh. दक्ष ने बोला कि इसे ऐसा हेयर कट कराना है, और लगभग ऐसा ही हेयर कट हो गया दक्ष का, है ना? ओके लेट्स गो। दक्ष का हेयर कट हो गया है, वायरा को लेने चलते हैं। तो भाई मेरे हस्बैंड तो दोनों बच्चों को स्कूल से लेने गए हुए हैं, मैं सोच रही हूँ इतने पाइनएप्पल कट कर देती हूँ। ठंडा पाइनएप्पल भी अच्छा लगता है, बट अगर आपने एक बार गर्म करके उसको सेक के खाना स्टार्ट कर दिया तो मेरी गारंटी है आप ठंडा पाइनएप्पल कभी नहीं खाओगे। तो पाइनएप्पल मैंने पूरा छील लिए, इतने में पाइनएप्पल कट कर रही हूँ। आपको पता है आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ रिलेटिव्स के साथ शेयर करनी है वीडियो। तो मेरा पाइनएप्पल कट हो चुका है। बहुत बारिश है आज। हम पहुंच गए आयरा के स्कूल, सो वी गॉट आयरा नाउ। देखो दक्ष भैया का आयरा हेयर कट हुआ है, कैन यू सी? दक्ष भैया गॉट हिज हेयर कट। टच इट, लुक्स टॉप, इट्स नो स्टॉप बिकॉज़ हेयर कट का लगा। यू लाइक इट? यस। आयरा आपको कराना हेयर कट? चलो अब आप आयरा का हेयर कट करा के लाते हैं। चलो आयरा, वी हैव रीच्ड होम। ओके लेट्स गेट ऑफ। अरे वाह दक्ष का तो हेयर कट हो गया। आयरा रेनिंग हो रही है। यस रेनिंग। आयरा को पाइनएप्पल खाना है ना? चलो आयरा के लिए पाइनएप्पल रेडी करते हैं। वेट आयरा, जब हम इसको गैस पे सेकेंगे तब अच्छा लगता है ना, यम्मी यम्मी। पाइनएप्पल आएंगे मैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, that's it. No, we don't have more space, Aira. पहले हम इसको इसको कुक करेंगे, उसके बाद हम और मोड़ लेंगे, राइट? सबको कह दो हाय। हाय। आपके पाइनएप्पल हो गए, खा लो। नींबू डलवाओगे या ऐसी? नींबू डलवाना है आपको या ऐसी खाओगे? हर बार कैसे देती हो? मैं तो थोड़ा डालती हूँ, आपको आपको पता नहीं चलता। नींबू डालने से क्या? ठीक है फिर, मत बोतल दो नींबू पहले, लेमन जूस। दक्ष बेटा पाइनएप्पल खाओ। पाइनएप्पल कटोरी वाले किसके? आपके। वेतने से ये और दे देंगे। दक्ष आओ बेटा पाइनएप्पल खाएंगे। डॉक्टर आयरा, डॉक्टर है। इन माय नी।
आयरन? अरे भाई हमारा डॉक्टर तो पहले खाएगा, पेट पूजा करेगा। भैया के नीचे कर लो। अरे दोनों नहीं, अभी ठीक हो गया? यस। अब पेन भी ठीक हो गया? अरे भाई डॉक्टर तो बहुत अच्छा है। चलो चलो डॉक्टर चेक करेगा अपने आप, डॉक्टर को चेक करना दो दक्ष। हाँ उसको उसको पहले ये चेक करना है, ये चेक करो। हाँ कर लो। इज इट गुड? इज इट गुड? ओके सेकंड वन, अदर वन। सो सिक। अरे डॉक्टर अपने इंजेक्शन दे रहा है। अरे डॉक्टर आप कैसे? मैंने करो। पेशेंट को इंजेक्शन देते हैं? हाँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मेरे यहाँ पे टैटू लगा। कभी भी कोई भी डॉक्टर बन जाता है, कोई भी पेशेंट बन जाता है। The wheels are the first go round and round. The doors are the first go open and shut. Open and shut. Open and shut. The doors are the first go open and shut. Open shut, yes. Mommy. And the next one, ha, swish, 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 karo. Swish, 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 swish. No, can't you swish, swish? No, swish, swish. Move right back, move right back. The baby's on the bus, go wah, wah, wah. I love you. No! That's the wrong one. The hold on the bus, go beep, beep, beep. मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ सम्स दे रही हूँ, आपको करना है। टू टू प्लस सेवन। भाई मैंने दक्ष को कुछ सम्स दिए हैं, देखते हैं वो कर पाते नहीं कर पाता। थ्री फोर एट कट थ्री लाइंस। वन टू थ्री फोर फाइव। डन हो गया? Yes. चलो चेक करते हैं। 7 plus 2, 9, good. 5 minus 4, 1, good. 3 plus 1, 4. 8 minus 3, 5 minus 4, 2. 5 plus 2, 7, good job, Dakshi. Woo, good job. Guys, please like this video. मैं कुछ आप कर दी। बनाना खा रहे हो आप? खा लो। It's time to eat food, guys. No, it's not. It's time. आयरा की सब्जी रह गई है। मम्मा is coming. अपना फूड फिनिश करो जल्दी सब लोग। आयरा, eat your food. Because आयरा, I am next plate. आयरा, गंदी बात। Your mama is here too. अरे तुम यहीं आ जाओ साक्षी। The next morning. Bye, Daksh. Umbrella चाहिए? नहीं, जल्दी बैठ जाओ। Daksh, जल्दी बैठो बेटा। चलो मैं आयरा भी रेडी रखती हूँ। हाँ ठीक। ओके। से बात करना मम्मा। आयरा उदास हो गई थी कि मैं भैया के साथ क्यों नहीं गई। मैंने कहा बेटा भैया लेट हो रहा था, अब आप बाद में चलिए। ये थोड़ा अंधेरा हो रहा है। कुकी मांग रही हूँ कायरा। कुकी ला रही हूँ मैं। इसको यही वाली मांग रही थी। हाँ उससे उससे रह गया था। तो भाई दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं, मैं अपनी चाय बनाने रखती हूँ। वैसे आज मैंने आज और कल दोनों दिन ऑफिस से छुट्टी ली हुई है, और वो छुट्टी मैंने किस लिए ली हुई है वो आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ। A few moments later. तो भाई मैं ना रेडी हो चुकी हूँ। मैंने आज की और कल की ऑफिस की छुट्टी ली हुई है, तो वो इसलिए ली हुई है क्योंकि एक तो मेरे पास कुछ छुट्टियाँ ऐसी थी जो लैप्स हो रही थी, तो मुझे था कि लैप्स हो रही है इससे अच्छा ले ही लेती हूँ। और दूसरी बात ये कि जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिया से हमारी फैमिली आने वाली है कुछ ही दिनों में, तो उनके आने के लिए भी थोड़ी सी हमें अब तैयारी करनी होगी। टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, जैसे कि रूम में मेरे को एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह बना के रखना है उनके लिए कि वो अपना सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सके। उसमें अभी एक्स्ट्रा स्पेस है नहीं रूम्स में, तो उस चीज़ के लिए मैं अच्छे से अभी तैयारी कर सकती हूँ। हम लोगों को कुछ ऑनलाइन क्लोजेट वगैरह भी ऑर्डर करनी है रूम के लिए कि एक एक्स्ट्रा क्लोजेट होगी तो अच्छे से कोई भी आएगा अपना सामान उसमें रख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि क्लोजेट्स वगैरह ऑनलाइन ऑर्डर करने हैं, पर मेरे हस्बैंड उस काम को छोड़ के किसी और काम में लगे हुए हैं। जरूरी कर रहा हूं मैं भी। क्या जरूरी काम कर रहे हो बताओगे मुझे? अभी ये तू देख अगर यहां। हाँ दिखाओ, मुझे दिखाई दो आज आपने क्या दिखाया। क्लोजेट देख रहा था मैं, मैंने क्लोजेट देखी थी, ऐसा थोड़ा ना कि क्लोजेट नहीं देखी। ये जो क्लोजेट देख रहा हूं, ये ऑर्डर हुई मैं कर रहा हूं ऑर्डर, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं साक्षी जैसे $1,000 की है ये क्लोजेट। ठीक है, इससे बेटर अच्छी लग रही है, ऐसे है तो ठीक है। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूं साक्षी, जो हमारे पुराने घर में जिससे हमने वो कराया था ना रीमॉडलिंग का काम, ठीक है, उसको बुलाते हैं, वो पूरा बेसमेंट रिमॉडल करा लेते हैं ना उसी से। लेकिन उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, बेसमेंट रिमॉडल कराओगे तो। ये बुला के पूछ तो सकते हैं उससे। 10-15 दिन तो कहीं नहीं गए अभी तो, हम पे है एक महीना सा है। नहीं एक महीना नहीं, आप कौन से उसमें हो, ज्यादा टाइम नहीं है। और फिर उसमें बहुत फैलाना हो जाता है, अभी इतना नहीं हम कर सकते। मैं लेकिन फिर भी कह रहा हूँ चलो चलो क्लोजेट भी ले लो, लेकिन बेसमेंट फिर भी रिमॉडल तो कराना ही है। हाँ, कराने हो तो है, तो उसको बुला के कोट ले लेते हैं अगर चलो वो ये कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो कैबिनेट अगर उतने में ही पड़ जाते हैं, बल्कि वो कैबिनेट जब वो बेसमेंट का काम करेगा तो कैबिनेट भी लगा देगा, फिनिश करा के इस तरीके का हो जाएगा बेसमेंट। हाँ तो ठीक है, उसको बुला लेगा। ठीक है, बाकी मैं तेरे को दिखाता हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ, सब लोगों को दिखा देते हैं। इनफैक्ट चलो चलो भाई बेसमेंट चलते हैं। चलो आराम से।
तो अभी क्या है कि हमारा बेसमेंट अभी फ्लोर भी इसका वैसा ही है जो सीमेंट वाला कंक्रीट फ्लोर होता है ना, तो बेसमेंट में हमारे अभी 3 सेक्शन हैं, जगह तो खूब है हमारे पास, बट लेकिन अभी ये सारा ऐसा ही है। देखो देखो, एक तो ये सेक्शन है, इसमें तो हम नहीं लेके जा रहे हैं आपको, ये पूरा अभी स्टोरेज है, इसमें बहुत कबाड़ा है अभी इस वाले सेक्शन के अंदर। तो ये एक सेक्शन तो हमारा ये हो गया, ये ऊपर से हम लोग नीचे आए, ये घर का एक्सेस है, और ये फिर आपका ये एरिया में क्या है कि इन लोगों ने पहले यहाँ पे आई थिंक कुछ कुछ चीजें रखी हुई थी जो पुराने ओनर थे। साक्षी मैं क्या सोच रहा हूँ, सारी जो वॉल्स है पीछे, जो जितनी वॉल्स है चारों तरफ हमारे जितना भी है ना, ये सारा चारों तरफ इस पे सबसे क्लोजेस बनवा लेते हैं। तो अगर लोग बनवाएंगे वो सिर्फ पेंट्री के लिए यूज कर सकते हैं। नहीं, पेंट्री वगैरह तो तेरा इसके अंदर हो जाएगा साक्षी, इसको भी बंद करा देंगे दरवाजे को। ठीक है, क्लोजेट लग जाएगी। और फिर इस एरिया में क्या कर सकते हैं, इस एरिया में होम थिएटर यार इतनी जरूरत नहीं है हम लोग नीचे होम थिएटर की। तो इस पे पहले पुराने ओनर ने शायद इस पे बार वगैरह इस एरिया में बनाया हुआ था। हाँ, तो यहाँ पे यहाँ फायर प्लेस भी है, ये भी गैस वाली फायर प्लेस है। तो यहाँ पे वो टेबल टेनिस वगैरह डाल सकते हैं, टेबल टेनिस के लिए। हाँ, लेकिन फ्लोरिंग में वो चेंज करेंगे। हाँ, फ्लोरिंग तो इसमें होगी, वुडन होगी या वाइनल होगी, कोई ना कोई होगी। हाँ, कोई मेरी साइकिल साक्षी रखी नीचे, आपको उस टाइम लेने का शौक। अभी नहीं, अभी वेदर सेव जाएगा तो साइकिल को निकालूंगा मैं। तो ये जो वॉल है, अगर इस वॉल को हम निकाल देंगे, मतलब इस वॉल को अगर तोड़ देते हैं, तो ये फिर वो स्टोरेज वाला जो ऑप्शन मैंने आपको एरिया दिखाया था, हाँ, तो इसको मतलब और बड़ा कर सकते हैं हम इस वॉल को तोड़ के भी। आपको 2 सेक्शन दिखाए अभी बेसमेंट के, एक तो सेक्शन था हमारा वो जो स्टोरेज वाला है, ठीक है, और ये दूसरा सेक्शन हो गया ये वाला। तो अब हम आपको दिखाते हैं 3rd सेक्शन जो कि हमारा गैराज वाला है, उसको भी अभी हमने स्टोरेज के तौर पे यूज किया हुआ है। साक्षी ओपन करना उसको, ये है अब हमारा 3rd सेक्शन बेसमेंट का। तो अब देखिए ये भी अच्छा खासा बढ़ा है, अभी तो यहाँ पे मैंने अपनी एक्सरसाइज वगैरह के लिए थोड़ा सा जिम का सेटअप किया हुआ है। बाकी काफी वही सामान है जो हम पुराने का, ये हमारा सारा, हाँ, काफी चीज अभी हम निकाल ही नहीं पाए, अब धीरे-धीरे करके निकलेंगे। हाँ, ये सारा पुराने घर का सामान है, इसमें काफी तो मुझे लग रहा है डिस्कार्ड करना पड़ेगा साक्षी, काफी मुझे लगता है डोनेट करना पड़ेगा। तो ये सारे अभी शेल्फ्स हैं, ये छोटा वेयर हाउस टाइप लग रहा है अभी तो। तो यहाँ मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ, ये मैंने ये डंबल्स लिए हुए हैं। तो ये डंबल्स की खासियत ये है कि ये 5 पाउंड से लेके कितने साक्षी 55 पाउंड तक, आप कर दोगे आपको? अरे इतनी ऊपर तक नहीं जाता ना मैं यार, मैं जाती हूँ क्या, मेरे से पूछ रहे हो? कॉमन करके उसको बढ़ा कर लेंगे। तो अभी जैसे बेसमेंट के हमारे 3 सेक्शन है ना, तो उनको 2 सेक्शन कर लेंगे हम लोग। नीचे एक बेसमेंट में फ्रिज भी रखा हुआ है, कई बार क्या होता है सामान इतना ज्यादा आ जाता है कि एक फ्रिज में हम नहीं रख पाते, तो हमने इसलिए एक बेसमेंट में रखा हुआ है। यहाँ से गैराज का डोर है, इसको भी ओपन कर देते हैं, ओपन करके दिखाओ, है ना? हाँ, हालांकि हम अभी यहाँ कार पार्क तो नहीं करते हैं, लेकिन कभी क्या करना चाहे तो आराम से अपना पार्क करके जा सकते हैं। यहाँ से आराम से कार को 2 कार आ सकती हैं अभी भी, आ सकते हैं अभी 2। और ये वैसे भी जैसे कोई हैवी सामान अगर बेसमेंट में लेके आना हो ना, उसके लिए भी इजी, अगर आप कार ना भी खड़ी करें, अगर हम लोग फर्नीचर वगैरह वो काफी इजी होता है स्लो की वजह से ना, कार में आप रख के ले। जैसे अगर बेसमेंट रिमॉडलिंग भी होगी तो कॉन्ट्रेक्टर वगैरह जो है हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो लोग यहीं से आ जाए करेंगे, यहीं से सारा काम कर लेंगे। तो निकल के दिखाते हैं यहाँ से, फिर आप निकल गए बाहर, ये फिर घर आ गया आपका बाहर, ये हमारा बैकयार्ड हो गया। ये यहाँ से आपकी ये ओपन हो जाता है, तो कार वगैरह गाड़ी वगैरह की एंट्री यहाँ से हो जाती है। तो अभी हम लोग बाहर आ गए, आज तो वेदर काफी ठीक है फिर भी। तो आप अपने उसको बुला लेना फिर, तो आप सब लोग भी सब अपने आइडियाज दीजिएगा कि क्या क्या करा सकते हैं बेसमेंट में, और क्या क्या मतलब ऊपर जैसे हमारे पास स्पेस तो काफी है, तो अभी हमको थोड़ा स्टोरेज का लगता है, क्लोजेट्स वगैरह का, कि क्लोजेट्स होनी चाहिए। हाँ, बाकी वैसे तो लिविंग स्पेस तो ऊपर काफी है हमारे पास, बाकी कई लोग तो यहाँ बेडरूम भी बनवा लेते हैं। इनफैक्ट जब यहाँ पे हमारे घर में कॉन्ट्रेक्टर्स आए थे, तो किसी ने रिकमेंड किया था, कह रहा है इस एरिया के अंदर, कह रहा है वो 3 बेडरूम अपार्टमेंट बना देगा पूरे इस वाले एरिया के अंदर। प्लान करेंगे इसकी, रिमॉडलिंग करानी तो है ही, क्योंकि इतना जो स्पेस है अभी अनयूज्ड है, अभी हम यूज में ले नहीं पा रहे ना, ये कारपेट भी चेंज करेंगे स्टेयर्स का, है ना, उससे साफ भी लगता है। आई होप आप लोगों को बेसमेंट काफी स्पेशियस लगा होगा, अच्छा तो नहीं कह सकते अभी क्योंकि अच्छा नहीं है अभी, क्योंकि फिनिश नहीं है अभी। तो हमने बल्कि होम टूर में भी इसके इसीलिए कर दिया था बेसमेंट को दिखाना, क्योंकि
अभी काफी रॉ है बेसमेंट। चलो बेसमेंट रिमॉडल की तो बात अलग रही, लेकिन और भी तो काफी चीजें ऑर्डर करनी है, उन्हें तो करो। हाँ, वो मैं कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि उस चक्कर में बाकी चीजें करो ही ना और टाइम निकल जाए। इस वीकेंड पे निपटा दूंगा सब काम। हाँ, टाइम ज्यादा नहीं बचा, जल्दी करो सारे काम। चलिए जी, हम लोग भी अब फैमिली के आने की तैयारियों में लगते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।